लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लाउडी एमएल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसका नाम है व्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। व्यूज इन एसक्यूएल आर अ काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल्स। अ व्यू कैन ईदर हैव ऑल द रोज ऑफ अ टेबल और स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। तो व्यू क्या होता है, उसको वर्चुअल टेबल भी कहा जाता है। तो क्यों वर्चुअल टेबल कहा जाता है, क्योंकि वो एक जो ओरिजिनल टेबल होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो व्यू जो है वो एक किसी एक टेबल से भी हम बना सकते हैं या फिर एक से ज्यादा टेबल से भी हम बना सकते हैं। तो व्यू का मेन पर्पस क्या होता है कि समझिए, अभी एक डेटाबेस है जो है कॉलेज का डेटाबेस, ठीक है, कॉलेज का डेटाबेस है। तो उसमें एक्सेस है स्टूडेंट्स को, टीचर्स और समझिए प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंसिपल को दिखाना है वो मुझे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को नहीं दिखाना है। ओके, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ भी डेटा है वो सिर्फ प्रिंसिपल को दिखना चाहिए और स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं दिखना चाहिए। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, व्यूज, ठीक है। तो हम इस डेटाबेस, ओरिजिनल डेटाबेस से एक छोटा व्यू बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को ही दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक यूजर को ही दिखाना है तो हम व्यू यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो अगर हमें किसी और को नहीं प्रेजेंट करना है तो हम उस यूजर को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डेटा है वही हम दिखाएंगे, ठीक है। तो व्यू इसके लिए काम आता है। आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो टेबल है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी और ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, कस्टमर आईडी। तो इन दो टेबल को जोड़ा गया है और एक नया व्यू बनाया है जिसमें क्या है, कस्टमर आईडी, ओके, फिर है ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी। कस्टमर आईडी जो है वो इस टेबल में से है, ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी ये सेकेंड वाले टेबल में से है, ठीक है। तो व्यू क्यों यूज करते हैं हम, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही किसी को डिस्प्ले करना है तो व्यू हम यूज करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं चार चीजें कि हाउ टू क्रिएट अ व्यू, हाउ टू डिलीट अ व्यू, हाउ टू अपडेट अ व्यू और हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ व्यू। तो पहले तो देखते हैं कि व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट व्यू ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिंटैक्स बहुत ही सिमिलर है टू क्रिएट टेबल, बस टेबल की जगह हम व्यू लिखेंगे। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स। तो ये आप इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं, क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम, एज कीवर्ड, सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। तो चलिए ये दो व्यूज है वो हम क्रिएट करते हैं। पहला तो है क्रिएट अ व्यू हैविंग स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम ऑफ क्लास फोर्थ ईयर। तो हमारा जो लाइब्रेरी टेबल है वही हम यूज करने वाले हैं। तो पहले तो देखते हैं हमारा टेबल। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़े वैल्यूज अलग है क्योंकि ये थोड़ा अलग टेबल है, बट कॉलम्स ऑलमोस्ट सेम है पुराने टेबल के हिसाब से, ठीक है, बस वैल्यूज थोड़े अलग है। तो चलिए अभी व्यू क्रिएट करते हैं। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं फोर्थ ईयर, ओके, एज। अभी एज में क्या आएगा, हमें दो कॉलम लेने बोले हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, बराबर। तो स्टूडेंट आईडी मतलब यहाँ पे है सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम और क्लास भी ले लेते हैं। फ्रॉम, टेबल नेम हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा और कंडीशन क्या है कि हमें सिर्फ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे क्लास क्या आएगा, बी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है बी क्लास और टी क्लास, दो क्लासेस है, तो हमें फोर्थ ईयर वाला क्लास चाहिए। सिलेक्ट करेंगे इसको और रन, ठीक है। अभी ये क्रिएट हो चुके हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या वैल्यूज है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नाम यूज करेंगे अभी हम। तो व्यू का नाम क्या है, फोर्थ ईयर, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है जिनका क्लास है बी या फोर्थ ईयर, ओके। अभी नेक्स्ट है क्रिएट अ व्यू हैविंग स्टूडेंट आईडी,
स्टूडेंट नेम, बुक नेम बाय इनर जॉइनिंग द टू टेबल्स. अभी दो टेबल्स जो है अपने लाइब्रेरी टेबल और बुक टेबल, उन दोनों को हमें इनर जॉइन अप्लाई करना है और तीन कॉलम्स लेने हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और बुक नेम. ठीक है, तो क्या आएगा, क्रिएट व्यू, इसका नाम देते हैं इनर जॉइन एज, ये एज में क्या आएगा, सिलेक्ट सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, बुक नेम फ्रॉम लाइब्रेरी इनर जॉइन बुक्स. ठीक है, हमने ऑलरेडी सीखा है कि जॉइंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, बुक्स. ओके, इसमें आपको एक कॉमन कॉलम भी देना पड़ेगा, तो चलिए वो कॉमन कॉलम रहेगा बुक नेम, बराबर, क्योंकि बुक नेम दोनों में भी प्रेजेंट है. अभी ये हमें एक एरर देगा कि कॉलम बुक नेम इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिग्यूस. फील्ड लिस्ट मतलब क्या होता है कि जो ये सिलेक्ट कॉलम्स जो हम कर रहे हैं, जो भी कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको फील्ड लिस्ट बोलते हैं. और एम्बिग्यूस मतलब क्या होता है कि बुक नेम जो है ना वो दोनों टेबल में प्रेजेंट है, लाइब्रेरी में भी और बुक्स टेबल में भी. तो एसक्यूएल समझ नहीं पा रहा है कि ये जो बुक नेम हमें चाहिए वो कौन से टेबल वाला चाहिए, लाइब्रेरी वाला चाहिए या बुक्स टेबल वाला चाहिए. तो ये एरर मैंने आपको जानबूझ के ही करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एरर क्यों आ रहा है. ठीक है, तो एम्बिग्यूस मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि लाइब्रेरी टेबल में से चाहिए या बुक्स टेबल में से चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बुक नेम है वो हम लाइब्रेरी टेबल का देते हैं. ओके, अभी सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम तो सिर्फ लाइब्रेरी टेबल में है, वो बुक्स टेबल में नहीं है, तो इसलिए इनका एरर नहीं दे रहा है. अभी मैं और एक बार रन करके देखती हूँ, अभी भी हमें ये एरर देगा. बट अभी क्या एरर है, कॉलम बुक नेम इन ऑन क्लॉज इज एम्बिग्यूस. अभी ऑन क्लॉज कौन सा है, ये यहाँ पे. तो ये वाला जो बुक नेम है ना वो अभी एम्बिग्यूस है, मतलब इसमें भी वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन से टेबल वाला बुक नेम चाहिए, तो इसमें हम देते हैं बुक्स टेबल वाला बुक नेम. अभी सिलेक्ट और रन. ओके, तो अभी क्रिएट हो चुका है, तो देखते हैं इसमें कैसे रिकॉर्ड्स है फ्रॉम इनर जॉइन. ये तो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स आ गए हैं. मतलब सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स है जिसमें दोनों कॉलम्स में जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है सिर्फ वही रहेंगे ड्यू टू इनर जॉइन. ओके, तो हमने अभी देखा कि व्यू क्रिएट कैसे करना है. अभी देखते हैं कि हाउ टू डिलीट व्यूज. तो सिंटैक्स क्या है, सीधा ड्रॉप व्यू, व्यू नेम, बस सिंपल सिंटैक्स है, जैसे ड्रॉप टेबल का है वैसे ही सेम है. डिलीट द व्यू फोर्थ ईयर, तो अभी जो फोर्थ ईयर वाला व्यू है वो हम डिलीट करते हैं. ड्रॉप व्यू और नाम क्या है, फोर्थ ईयर, सिलेक्ट और ड्रॉप. ठीक है, तो अभी ये ड्रॉप हो चुका है. तो आप देख सकते हैं व्यू बनाने के बाद आपको कुछ डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा ओरिजिनल टेबल से ले रहा है. बट टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद डेटा भी डालना पड़ता है. ओके, अभी है अपडेटिंग व्यूज. वी कैन यूज द एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल और व्यू. तो सेम सिंटैक्स है, बस अपडेट इधर टेबल नेम आता था, यहाँ पे व्यू नेम आएगा. ठीक है, तो चलिए कुछ डेटा अपडेट करके देखते हैं. उससे पहले तो मैं ये वाला व्यू वापस क्रिएट कर लेते हैं, लाइब्रेरी वाला. ठीक है, तो अभी चलिए इसमें हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कुछ वैल्यू, किसी स्टूडेंट का नाम अपडेट करते हैं. ठीक है, तो अपडेट फोर्थ ईयर, सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, चलिए कुछ नया नाम इसको देते हैं, राहुल. ओके, वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू 6. आई होप 6 सीरियल नंबर का कुछ वैल्यू है उसमें. यस, है. अभी देखते हैं कि ये चेंज सच में हुआ है या नहीं व्यू में.
ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहां पे सीरियल नंबर 6 है वहां पे क्या नाम आ गया अभी, राहुल। ओके, तो ऐसे हम अपडेट करते हैं व्यू को। अभी नेक्स्ट है इंसर्टिंग रोज इन अ व्यू, तो इसका भी सिंटैक्स एकदम सिमिलर है, को दिखाती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम की जगह आएगा व्यू का नाम जो है फोर्थ ईयर, ठीक है। और आप कॉलम के नाम भी मेंशन कर सकते हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज अभी चलिए सीरियल नंबर हम डालते हैं 10, नाम देते हैं देविका और क्लास देते हैं बी। ठीक है, ये आपका वैल्यूज इंसर्ट हो गया, चेक करते हैं सिलेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं लास्ट वैल्यू जो है वो आपका हो गया है देविका। ओके, तो ये था हमने व्यूज देखा, हाउ टू क्रिएट, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ व्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप खुद के अलग अलग व्यूज बना के भी ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं उस पे एंड कुछ नया भी सीख सकते हैं। ओके, आपको कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।